शहर मुस्लिम जमात मंडलेश्वर और सुभीसी ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 70 यूनिट ब्लड प्राप्त हुआ। हम आपको बता दें कि मुस्लिम समाज द्वारा पहली बार पवित्र नगरी मंडलेश्वर में बुधवार को शहर मंडलेश्वर मुस्लिम समुदाय एवं सुभीसी ब्लड बैंक खरगोन द्वारा रक्तदान शिविर के रूप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य को समापन तक पहुंचाया, जिसमें शहर मंडलेश्वर की मुस्लिम जमात युवाओं के सारे ग्रुप जिन्होंने मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया, इन सभी के प्रयासों से अविश्वसनीय आंकड़े के शिविर तक पहुंचना संभव हो पाया। इस रक्तदान शिविर में 70 यूनिट रक्त की प्राप्ति हुई। शहर के तमाम वरिष्ठ नागरिक, मुस्लिम जमात की पूरी टीम, नगरपालिका अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, पत्रकार साथ एवं समाज सेवकों की उपस्थिति में एक बहुत ही प्रशंसनीय संदेश सभी तक पहुंचाया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सर, आज जो मंडलेश्वर में मुस्लिम जमात द्वारा ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या उद्देश्य है उसमें? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट आते हैं, है ना, जिनको हर 3 महीने में ब्लड लगता है, इन लोगों का क्या है, डोनर की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब जब हर 3 महीने में अगर उनको ब्लड देना है तो डोनर ला नहीं पाते थे, ऐसे लोगों को हम हमारी तरफ से फ्री देते हैं, उनसे हम ब्लड नहीं लेते। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रेगुलर, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, है ना, तो ये जो ब्लड दोगे मेन तो उन लोगों के काम में आएगा कि जो है मतलब थैलेसीमिया के जो है बच्चे हैं, और अगर आपको भी भविष्य के अंदर अगर जरूरत पड़ती है आपके फैमिली को, तो जो हम कार्ड देंगे इससे लेकर आ सकते हैं और हम आपको ये वापस देंगे। सर, जिन लोगों ने ब्लड दिया है, डोनेट दिया है, उनको क्या चार्ज नहीं लगेगा? नहीं, वो जो टेस्ट है का जो चार्ज है वो तो गवर्नमेंट में भी लगता है, 1100 रुपये लगता है, मगर हम रिप्लेसमेंट में ब्लड नहीं लेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गाजी। सर, जो आज जो ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रखा गया है मुस्लिम जमात मंडलेश्वर द्वारा, तो किस उस पर रखा गया है? पहली चीज़, ये तो बहुत सराहनीय काम था मुस्लिम जमात मंडलेश्वर द्वारा, और सभी नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तकरीबन 70 से 80 यूनिट अभी हमको प्राप्त हुई है, और साथ ही अभी आने वाले साथी अपने अपनी समय के अनुसार आ रहे हैं और रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। एक चीज़ देख कर के और बहुत खुशी हुई है कि यहाँ मुस्लिम जमात के नौजवान जितने भी साथी हैं, तमाम ने इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देश हित में अपना योगदान दिया। हम तमाम मंडलेश्वर के मुस्लिम जमात के साथियों को, नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपने इस नेक काम में पहल करके पहली बार इस कैंप को आयोजित किया गया मंडलेश्वर के अंदर और इतना सफल बनाया, ये सभी आप ही के योगदान से संभव हो पाया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलबी। जो आज मुस्लिम समाज द्वारा आपके द्वारा जो रक्तदान प्रोग्राम रखा गया था, तो समाज में आप इस प्रकार क्या संदेश देना चाहते हो? ये जो काम जो आज रखा गया था रक्तदान, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नौजवान कमेटी के लोगों ने, हमारे जो नौजवान लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और यहाँ की जो मुस्लिम जमात के लोग हैं और हिंदू लोग हैं, ये सब भाईचारे के प्रतीक है, और यहाँ पर जो है पहली बार ये शिविर लगाया गया जो मुस्लिम जमात की तरफ से, और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और ये सक्सेसफुल हुआ काम। इससे संदेश जो है हर समाज में अच्छा गया, और भाईचारे का प्रतीक है ये कि अगर किसी के खून से किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा महादान हो ही नहीं सकता कुछ दुनिया के अंदर। और ये जो है आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह से और पहल करेंगे ताकि इसका संदेश जाए भाईचारे की तरफ और हर समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के फिर हिस्सा लें। ये मुस्लिम जमात के तरफ से ये संदेश है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।